नमस्कार, मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं द मोर्चा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने साउथ अफ्रीका में दस्तक दे दी है। इस वेरिएंट ने दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को दुविधा में डाल दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोई भी वायरस एक इन्फेक्शन लेके आता है। दुनिया में सैकड़ों किस्म के वायरस पाए जाते हैं। वायरस की एक खास बात होती है, ये सिर्फ किसी और की बॉडी में ही रहता है और वहीं एक से दो और दो से चार हो पाता है। वायरस जिसकी भी बॉडी में होता है उसे होस्ट कहते हैं। ये कोई इंसान भी हो सकता है या कोई जानवर भी। वायरस को जिंदा रहने के लिए और एक से दो और दो से चार बनने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। ये बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकता। जिस प्रकार चिकन पॉक्स, HIV, एड्स और निमोनिया, ये सब बीमारियाँ अलग अलग किस्म के वायरस से होती हैं, कोविड की बीमारी भी एक कोरोना नाम के वायरस से होती है। हर वायरस खतरनाक नहीं होता, पर कोरोना वायरस खतरनाक साबित हो चुका है। ये होस्ट के शरीर में घुसकर उसके सेल्स से चिपक जाता है और एक से दो, दो से चार होने लगता है। जिस प्रकार इंसान में DNA होता है, उसी प्रकार वायरस में RNA होता है। DNA आसानी से परिवर्तित नहीं होता, पर RNA आसानी से परिवर्तित हो जाता है और होता रहता है। RNA के इसी परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन होने से ये कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। कई बार कोई भी प्रभाव नहीं होता। कई बार वायरस की होस्ट को हानि पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है, कई बार वायरस का रूप बदल जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस कई बार म्यूटेट हो चुका है, पर हर म्यूटेशन का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। जब एक वायरस म्यूटेट हो जाता है तो वो पहले वाले रूप और क्षमता में नए वाले से अलग हो जाता है और इसी को कहते हैं वेरिएंट। वेरिएंट मतलब जो बदल गया, जो नई चीज है। यहीं से नाम पड़ा ओमिक्रॉन वेरिएंट। आइए जानते हैं नाम कैसे ओमिक्रॉन पड़ा। वायरस के म्यूटेशन को ग्रीक भाषा के अल्फाबेट से नाम मिलते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। डेल्टा जो इंडिया में घातक साबित हुआ था, ओमिक्रॉन भी एक ग्रीक भाषा का ही अल्फाबेट है। हर बार म्यूटेशन से या तो छोटा चेंज या फिर बड़ा चेंज आएगा। छोटे चेंज में घबराने की आवश्यकता नहीं होती, वो आसानी से मेडिकल एक्सपर्ट्स और दवाओं और वैक्सीन्स में बदलाव करके हैंडल कर लेते हैं। परंतु बड़े चेंजेस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े चेंजेस आने की वजह से जो हम टेस्ट यूज करते थे वो टेस्ट काम नहीं करते, वो पुरानी दवाइयाँ काम नहीं करती और पुरानी वैक्सीन्स भी काम नहीं करती। अभी कुछ कह नहीं सकते कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा घातक होगा या नहीं, पर देखा ऐसा ही जा रहा है कि ये बहुत घातक होने वाला है। हम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं ताकि डेल्टा वेरिएंट वाला दौर वापस लौट कर ना आए। आशा करती हूँ कि आप अब म्यूटेशन, वेरिएंट और ओमिक्रॉन जैसे शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा संक्रामक और घातक साबित होने वाला है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया हो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को ये नाम कहाँ से मिला। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि सुरक्षा ही बचाव है। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और देखते रहिए द मोर्चा।